नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बांदा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बांदा दौरा आज। बांदा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश शाम 5 बजे नगर के मुख्य मार्ग जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का कल प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आज बजे आज 5 बजे चलो उधर चलो। आज समाजवादी पार्टी का चितपुर और बांदा और महुआ के कार्यकर्ताओं से बैठक हुई और उसमें सभी कार्यकर्ता सभी नेता आने वाले समय में किस दिशा में जाएं चुनिए करो, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है आज हर वर्ग के लोग उनसे दुखी हैं। किसान देखिए आंदोलन कर रहा है, हम बधाई देते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और देश के कोने कोने से किसान आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से वो मांग कर रहे हैं कि MSP दो, और कम से कम वो MSP दो जिसमें आय दोगुनी हो जाए किसानों की। नौजवान के लिए नौकरी रोजगार तो है नहीं, महंगी बिजली, व्यापार खत्म, और आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उलझ गई है। इधर कोविड में गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं है, नौजवान के लिए कोई रास्ता नहीं है, पढ़ाई चौपट हो गई पूरी। कानून व्यवस्था कैसी है आपसे बेहतर कौन जानेगा, खबरें पढ़ते हैं, दुख होता है कि ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में मंदिर में कैसी घटना हो रही, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही, इनाम घोषित हो रहा, जनता पकड़ करके दे रही है। अभी अभी हाथरस की घटना हुई कुछ दिन पहले। सरकार अब घटनाओं से नहीं सीखना चाहती है, सरकार को पता नहीं किस बात की घमंड है, किस बात का अहंकार है कि घटनाएं होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद भी सरकार का कोई व्यवस्था में बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। कानून व्यवस्था पे हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है, फेक इनकाउंटर सबसे ज्यादा है, कोर्ट कह रहा है कि कैसा जंगल राज है, कोर्ट कह रहा है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है NSA का। तो ये तमाम सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए, और खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी के लिए सोचना चाहिए आज, क्योंकि विवेक सिंह जी पूर्व विधायक यहाँ के बड़े नेता रहे, इनका परिवार जनता से जुड़ा रहा, इनके पूरे परिवार ने जनता के बीच लगातार सेवा की काम की है, इनके लिए दल जरूर दूसरा रहा, लेकिन उनकी जो छवि थी या उनका जो व्यवहार रहा वो हर दल के नेता के साथ उन्होंने सम्मान से जोड़ने का काम किया। इस परिवार से नेताजी भी जुड़े रहे, दल कोई रहा हो परिवार का, नेताजी का जुड़ना, हमारा लगातार इस परिवार के साथ संबंध बना रहना, इसलिए जब हमारे बीच वो नहीं है तो आज उनके परिवार, उनके सहयोगियों से मिलने में आया हूँ और उनको श्रद्धांजलि दी है। 2022 का चुनाव किन किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? मैंने जो बात कही कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, 100 नंबर दी थी पुलिस को अच्छे काम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, और पुलिस हर जगह लूट रही है, ये कहाँ से सीख के आई है पुलिस? सर, शराब से आए दिन मौत हो रही है और आज भी मौतें हुई है, क्या कहने? ये जहरीली शराब पता नहीं कहाँ से ला रही है बीजेपी, और ये एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है, बुलंदशहर तो आज हुई है मान लीजिए, और न जाने कितने लोग उसमें जाएंगे, उससे पहले भी हापुड़ और आसपास हुई थी, याद कीजिए आप, बाराबंकी में हो चुकी है, लखनऊ में घटना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये जहर कहां से आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, सरकार उनकी है। कोविड वैक्सीन के संबंध में क्या कहेंगे? वैक्सीन को लेकर के दुनिया में बहस है, और अगर हम आंकड़े देखें अमरीका के, जहां इधर वो लोकतंत्र को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, अभी 2-3 हफ्ते बाद आप देखेंगे 4 लाख लोगों की जान चली जाएगी, जो आंकड़े बता रहे हैं जो वहां के अखबार लिख रहे हैं, और वैक्सीन वहां पर है, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन है, एक वैक्सीन कहती है कि इतने दिन में एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी,
दूसरी वैक्सीन कहती है जब सेकंड डोज लग जाएगा तो इतने दिन बाद एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। यूके का भी यही बात है। हमें शिकायत वैक्सीन से नहीं है, हमें साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं साइंटिस्ट को, हम बधाई देना चाहते हैं उन वॉलंटियर्स को जो क्लिनिकल ट्रायल पे आ रहे हैं। कौन जोखिम उठाएगा सोचो क्लिनिकल ट्रायल पे, कि अभी दवा के साइड इफेक्ट नहीं पता लेकिन उसके बावजूद भी जो और जनता है उसकी जान बच सके इसलिए वो ट्रायल अपनी बॉडी पे करा रहे हैं, तो उनको बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हर चीज को अपना लेती है, हर चीज उनकी है, जो धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का वो ना करें और गरीब जनता को बताएं कि गरीब जनता को कब फ्री दे देंगे आप और कितने साल में पूरे उत्तर प्रदेश को वैक्सीन लग जाएगी। तारीख बता दें, साल बता दें और गरीबों को मुफ्त दे देंगे ये बता दें। ड्राई रन कर रहे हैं, आप सीएमओ से पूछे कितना फंड आया ड्राई फंड के लिए, क्या ट्रेनिंग दी गई है। मान लीजिए एक वैक्सीन माइनस 70 पे रहेगी, दूसरी माइनस कितने टेम्परेचर पे रहेगी, आपने क्या व्यवस्था की है उसमें। मान लीजिए बांदा में, अगर बांदा में लाखों लोगों को वैक्सीन लगनी है तो लखनऊ से वैक्सीन आए, दिल्ली से आए, रखोगे कहां। वो सेंटर के लिए पैसा क्या फंड आया है, फंड क्या आया है, क्या स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग न मिलने से बताओ किसी का नुकसान हो जाए। हमारे और आप डॉक्टर तो जानते ही, हम और आप अपने डॉक्टरों को। भैया किसानों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार सरकार से वार्ता हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं है, ये सरकार, क्या लगता है आपको कि सरकार मानेगी। ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे हम। ये हमने नहीं कहा, किसी किसान ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था। तो अब सरकार उनकी है तो कम से कम वो MSP दे भारतीय जनता पार्टी जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो जो कानून लाए हैं, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए कहां चला गया BSNL, ट्रेनें प्राइवेट हो रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, तो कौन भरोसा करे। नोटबंदी से कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सोचिए आप क्या भ्रष्टाचार, 112 नंबर गाड़ी आ जाए तो क्या कर रही है वो। अगले जी यहाँ पर नहरों का हाल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, इस पे कौन लगाम लगाएगा। अच्छा MSP को लेकर तो सरकार कह रही है इसको हम खत्म ही नहीं कर रहे हैं, ये फालतू के। तो MSP दे कहाँ रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मिस्ड कॉल करिए, हमारे सदस्य बन जाइए, ये उनका एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के किसान कहां पर मिस्ड कॉल करें जहां पर MSP मिल जाएगी उन्हें, हमें वो नंबर बता दें। पंचायत चुनाव को लेकर क्या सपा की क्या आगे की वो रणनीति जो भी होगी, चुनाव घोषित होगा हम बता दें। लगातार महिलाओं के साथ छिड़कानी, रेप के केस, ये कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और पूरा ठप कर दिया उन्होंने व्यवस्था पूरा। कोर्ट जब कह रहा हो क्या जंगल राज नहीं है, कोर्ट सवाल कर रहा, सोचिए आप। इस सरकार को तो डूब जाना चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए, सर झुक जाना चाहिए कि एक बेटी के साथ और महिलाओं के साथ क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में। भैया आपकी सरकार में बदायूं कांड हुआ था, उसको लेकर BJP सड़कों पर उतरी थी, खूब प्रदर्शन हुआ, CBI की सिफारिश आपने की थी, आज तमाम घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं, और सपा क्यों नहीं ऐसा कर रही है, रोडों में आ रही है। सपा लगातार कर रही है, आप जानते होंगे जिस समय घटना की जानकारी हुई समाजवादी पार्टी का पूरा डेलीगेशन पहुंचा और जैसे ही सरकार को ये पता लगा, प्रशासन को, उन्होंने DM भेज दिया, SP भेज दिए, ADG भेज दिए, जाने किन किन को भेज दिया। फिर हमारा दोबारा डेलीगेशन गया वहां पर और लगातार हम लोग जा रहे हैं संपर्क में, उस परिवार का पूरा न्याय दिलाएंगे। अच्छा आपके आपके और विपक्ष के जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसको बहुत ही दमनात्मक तरीके से दबाया जा रहा है, यहाँ पे बांदा में भी देखा गया कि सबको नजरबंद कर दिया गया। तो आखिर ये चलता रहेगा तो विपक्ष इससे कैसे पार पाए। मैं पत्रकार साथी को बधाई दूंगा, कितना बढ़िया सवाल पूछा, शायद मैं अपनी तरफ से बोलता तो बात अच्छी नहीं रहती। मैंने वो वीडियो सुना है पुलिस का जिसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, कल हमारी सरकार थी, आज हम नहीं है सरकार में, कल आपकी नहीं होगी, इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती एक दिन की। और फिर आप और हम सब जानते हैं सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सरूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें कानून
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी हो उसको सीमा नहीं लगनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहां बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा, बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, दो आदमी का तोड़ना, तीन आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो है ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। अखिलेश जी, किसान आत्महत्याएं कर रहा है बराबर, और यहाँ पर अपहरण बराबर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये गरीबी कारण है और सरकार की नाकामी है। पुलिस खुद अपराधियों से मिली हुई है। आप लखनऊ का देखिए, पूरी सरकार मिली हुई अपराधी से, अपराधी से मिली हुई है सरकार। वो आजमगढ़ का ही है नेता जिसका अखबारों में नाम ना आया है। तो जब सरकार अपराधी से मिल जाए तो आप क्या उम्मीद करोगे न्याय की? यहां पर आपने देखा होगा लोग चलते चले आए, कहां से, दिल्ली से, मुंबई से, दूर दूर गुजरात से चल करके आए। क्या सरकार ने मदद की? 90,000 बसें थी सरकार के पास, लेकिन बस नहीं थी सरकार को। जिनकी जान गई समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख से मदद की। और कई गर्भवती महिलाएं चलते चलते बच्चे पैदा हो गए, लेकिन कोई सरकार ने मदद नहीं की। यहां किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है, चाहे वो बांदा हो, महोबा हो। इन्होंने काम कर्ज माफ कर दिए। कहां कर्ज माफ हुआ? अभी 2 लाख रुपए का कर्ज था, वो लटक गया फांसी पर किसान। हमारा पूरा डेलीगेशन महोबा पहुंचा था, बांदा की भी हम सूची बना रहे हैं कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या इसलिए कर रहा क्योंकि पैदावार की कीमत नहीं मिल रही और सरकार ने जो वादा किए वो झूठे निकले। बिजली का बिल, डीजल महंगा, खाद महंगी, सब कुछ महंगी, बच्चों का भविष्य क्या है, कहां नौकरी करें जाकर। कह रहे हमने इतनी लाख दी, 1 करोड़ दी, 1.5 करोड़ नौकरी दी, प्रधानमंत्री से 1 करोड़ के रोजगार का उद्घाटन करा लिया। तो आप सोचिए ना कितना झूठ बोल रही है सरकार। सब बांदा में नहरों का बहुत बुरा हाल है। नहर नहीं, बांदा ही का बुरा हाल है। किसानों की फसलें सूख रही है। नहीं, बांदा का तो है ही, बगल से पानी बह के चला जा रहा है, कोई नहीं फसल को पूछ रहा। अच्छा, और मेडिकल कॉलेज को जो, हालांकि देखिए मेडिकल कॉलेज को रोका नहीं हमने, कृषि यूनिवर्सिटी को रोका नहीं, किसी बाईपास की परियोजना को नहीं रोका। उस योजना को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे आगे ले जाएं, ये समाजवादी पार्टी का काम था। कोई हमने द्वेष भावना से रोका कोई काम? बिल्कुल नहीं। जबकि दूसरी पार्टी का काम था उस काम को आगे लेकर, और हमने अपना भी काम जोड़ा उसके बाद। ये तो ऐसी है, न पुराने का काम कर रहे, न नया काम कर रहे, जो हो रहा है उसको ठप कर दे रहे। अरे नहर नहीं है, सब खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। और बाकी और चीजें बोल नहीं रहे, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं आया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी में आया। और मैं आपको बधाई दूंगा, अब तो सर मैं लखनऊ में रहा अब... लेकिन मैंने देखा एक दिन गधों ने आंदोलन कर दिया बांदा में। मैं आपको बधाई दूंगा कि जो खबर आपने छापी तो सर हमने भी पढ़ ली। तो इन्हीं के लोग सर कह रहे हैं कमल का फूल बहुत बड़ी भूल। भाई गधों ने आंदोलन किया था बांदा में, सोचो आप अगर गधे आंदोलन करने लगे तो सोचो क्या होगा। बांदा में इस समय एक नारा चल रहा है, जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। नहीं, ये जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये सरकार के सहारे पे आप सोचिए, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, पुलिस का भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो नोटिस है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किया। और पुलिस का देखो निशाना कितना अच्छा है, जाके घुटने में लग जाती है गोली, एक ही तरफ से आती है गोली और एक ही जगह लगती जाकर गई। ये तो पुलिस का निशाना है, देखो आप। ये सरकार क्या, जब मुख्यमंत्री कहेगा ठोक दो तो फिर क्या करेगी पुलिस? ये ठोकने वाली पुलिस है, ठोकने वाले को कौन इशारा कर रहा है? ये सरकार है, इसलिए आप भी सावधान रहो। अगर सच्ची खबर निकाली आपने तो आपकी भी दरखास्त रखी होगी, नाम बढ़ता है। कई पत्रकारों मुकदमे, पत्रकार साथी हो, अगर आपने भी कुछ सच निकाल दिया कि दाल में पानी है, निकाला था दूध में पानी है, या कोई और खबर निकाल दी, तो वो नाम लिखा रहता है, बस एप्लीकेशन पहले से टाइप है, धारा भी पहले से तय है कौन सी लगनी है आप पे, बस नाम चढ़ा देते हैं, ये आ गए। भैया लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कोरोना को लेकर एक बयान दिया था, विपक्ष ने बहुत घेरा आपको,
नहीं विपक्ष को, विपक्ष ने नहीं घेरा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे वैक्सीन से हमें शिकायत नहीं है, साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है, एक्सपर्ट से शिकायत नहीं है। इधर जो तर्क आ रहा है, जो कंपनियों में झगड़ा हो गया, भारत की जो दोनों कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों में क्यों झगड़ा हो गया? और फिर आप एक इम्यूनिटी दे रहे हो कानून की, कोई अगर इससे साइड इफेक्ट होगा तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंपनी कह रहे पानी की तरह लगवा लो आप, एक कह रहा 70% है, 60% है। तो हमें ये बताएं कि सच्चाई क्या है, जनता को पूरी ट्रांसपेरेंसी पता होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ उस समय तुमने जारी कर दी, उसकी शिकायत सबने की, तो हमने क्या गलत किया? एक दूसरा, अगर वैक्सीन लगाना तो भारतीय जनता पार्टी वाले लाइन में लग के सबसे पहले लगवाए, हम समाजवादी लोग एक साल बाद लगवा लेंगे, सरकार बना लेंगे तब, और गरीब को फ्री देंगे, सबसे पहले लगाएंगे सरकार बनने पर, और हम गरीबों को फ्री लगवाएंगे। और नहीं मानते, अगर वैक्सीन चेक करनी है तो लगाइए आप, क्यों नहीं लगाते बीजेपी के लोग? क्यों उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम तो आखिरी में लगवाएंगे? क्यों बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि नहीं लगाएंगे? क्यों पीजीआई के डॉक्टर्स कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ और एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं? इम्यूनिटी कितने दिन बाद आएगी? पहली डोज के बाद इम्यूनिटी आ जाएगी, एंटीबॉडीज आ जाएंगी, क्या दूसरी डोज भी लेनी पड़ेगी तब आएगी आपको? तो ये तमाम सवाल हैं जो जनता को जानना चाहिए। और हम जानते इस बीमारी को, 3 लाख से ज्यादा तो अमेरिका में मर गए, अभी बहुत सारे देशों में लॉकडाउन है, हमारे यहाँ तो आप और हम कैसे खड़े हैं, आप भी और हम भी जानते हैं। कोई बात कह दोगे तो वो न्यूज चलने लगेगी। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहो, ये हटाओ सबसे पहले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आगे आने वाले समय में बसपा से बहुत गठबंधन? बहुत धन्यवाद।